जैसे कोर्ट में जाइए, वकील साहब कहते हैं चलो हम कोर्ट मैरिज करवा देते हैं, तो स्टाम्प पेपर लेके लिखा पढ़ी करवा दिए। उसके बाद में जैसे हम लेके चले तो घर के क्या हमारा प्रूफ है, क्या प्रूफ है मतलब? मतलब स्टाम्प पे जो लिखा पढ़ी हुई है उसका मान्यता है कि नहीं सर? जी नहीं, स्टाम्प पर की गई लिखा पढ़ी, चाहे वो आप शादी की करो जी या जी फिर जी तलाक की करो, दोनों जी ही सूरत के अंदर स्टाम्प पर शादी या तलाक बिल्कुल मान्य नहीं है, जीरो है। तो जी मैं क्या कर क्या करूं तो जिससे हमारी मतलब ये टेंशन खत्म हो? नहीं तो आपने गए तो वकील साहब को आपको कहना था ना, उन्हीं वकील साहब को फोन करके बोलो आप कि भाई हमको तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो सर्टिफिकेट दिलाओ। तो वो हमसे कह रहे हैं कि आप गवाही डलवाइए। गवाही तो चाहिएगी, बिल्कुल चाहिएगी, इसके अलावा जी आपके जी डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट होने चाहिए भाई, जी जी लड़का लड़की जो दोनों हैं, दोनों के आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट जी 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 क्या, और उसके अलावा दो गवाह और आधार कार्ड वगैरह उनके चाहिए। रजिस्ट्रेशन, वो तो गलती आपकी है कि आप अधूरे हिसाब से गए। नहीं, बिल्कुल सही। अगर गवाही जरूरी है। बिल्कुल गवाह जरूरी है। अच्छा सर, अच्छा सर। अच्छा, जो ये जो होता है कि बयान बयान जज के सामने, उसमें भी गवाह लगते हैं? ये कोई बयान वगैरह नहीं होते हैं, ये लोगों ने अफवाह फैला रखी है यूट्यूब वगैरह पे। जी जी इसमें जी शपथ पत्र जमा होते हैं, जी एफिडेविट बनते हैं और एफिडेविट लगते हैं बस, गवाहों अच्छा के एफिडेविट, लड़का लड़की का एफिडेविट, जिसने शादी करवाई उस पंडित या जी काजी का एफिडेविट, ये सारी चीजें, और आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं, कपल पिक लगता है, सबके पासपोर्ट फोटो लगते हैं बस, और शादी अच्छा की रस्म अच्छा के फोटोग्राफ लगते हैं। अच्छा सर, आप कहाँ रहने वाले हैं? आपसे मिल सकते हैं सर? नहीं वो तो बहुत दूर पड़ेगा, एक्चुअली हम उदयपुर राजस्थान से हैं और अच्छा आप अच्छा उत्तर प्रदेश से हैं। जी, सर। मैं ये कह रहा था कि जैसे मैं कोर्ट में जाके लिखा पढ़ी करवाई है जैसे स्टाम्प पेपर पे, तो उससे कोई मतलब नहीं है? नहीं कोई मतलब नहीं, जीरो है वो। अच्छा, तो अगर गवाही डलवा दिए जाए तो उससे फिर क्या होगा? नहीं, इसमें गवाही डलवाने से कुछ नहीं होगा, जो मेरी रजिस्ट्रेशन का टोटली प्रोसेस है वो जी प्रोसेस आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या करें तो जिससे हमको घर वालों की तकलीफ आप ना हो? उन्हीं वकील साहब के पास जाओ और उनको कहो कि भाई मुझे रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट दिलवाओ, अच्छा, ठीक है? तो जी, बाकी सारी प्रक्रिया वो पूरी कर देंगे, आप तो डॉक्यूमेंट और अपने गवाह लेकर जाओ उनके पास, जी 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 ठीक है ना? जी जी थैंक ठीक, यू सर। ओके ओके।